आपको मोदी जी का वो फेमस डायलॉग याद होगा जब उन्होंने कहा था कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। उस समय मोदी जी एक्चुअली कहना ये चाह रहे थे कि जिसको भी खाना है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो और उसके बाद जितनी मर्जी भ्रष्टाचार करो, जितनी मर्जी खाओ, जितनी मर्जी घोटाला करो, भारतीय जनता पार्टी से भ्रष्ट पार्टी भारत के इतिहास में नहीं हुई है। और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ। उसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है मुंबई से शिवसेना शिंदे ग्रुप के सांसद रविंद्र वाइकर। रविंद्र वाइकर के खिलाफ 14 सितंबर 2023 को मुंबई में एक एफआईआर दर्ज हुई थी जिसमें लिखा था कि एक प्लॉट, जोगेश्वरी एरिया में एक प्लॉट जहां पे कि एक पब्लिक गार्डन बनना था, उसमें रविंद्र वाइकर ने एक 5 सितारा आलीशान होटल बनाने की कोशिश करी। तो 14 सितंबर 2023 को ये एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद मामला ईडी में गया, कई बार ईडी की रेड भी हुई और सुर्खियों में ये मामला बना रहा। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस प्लॉट की कीमत कम से कम 500 करोड़ है। अब जैसा कि हमने देखा है अक्सर कि ईडी की और सीबीआई की रेड पड़ती हैं, उसके बाद वो इंसान भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है, मोदी जी की चमत्कारी वॉशिंग मशीन में उसकी धुलाई होती है और उसके बाद सर्टिफिकेट मिल जाता है कि वो ईमानदार है। यही टूलकिट रविंद्र वाइकर के केस में भी प्ले हुई। जैसा कि मैंने कहा, 14 सितंबर 2023 को ये एफआईआर दर्ज हुई थी। 10 मार्च 2024 को उन्होंने उद्धव ठाकरे का ग्रुप छोड़ के शिंदे का ग्रुप ज्वाइन किया। शिंदे ग्रुप जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, शिंदे ग्रुप ज्वाइन किया, मुंबई से चुनाव लड़ा, 48 वोटों से चुनाव जीते और कल उनके खिलाफ जो केस था उसको समाप्त कर दिया गया, क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई, यानी कि मोदी जी की वॉशिंग मशीन में धुलाई हो गई और उनको सर्टिफिकेट मिल गया। इतनी हंसी आती है, क्लोजर रिपोर्ट में लिखा है कि अधूरी जानकारी और गलत फहमी के कारण ये क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जा रही है। अधूरी जानकारी क्या थी? क्या ये अधूरी जानकारी थी कि वो शीघ्र ही भाजपा के गठबंधन को ज्वाइन करने जा रहे हैं? शायद ईडी को ये बात पता नहीं थी, इसलिए ईडी ने रेड डाली थी। गलत फहमी क्या थी ये भी नहीं पता, लेकिन ये बात क्लियर है कि जैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचारियों का गठबंधन ज्वाइन किया उनके खिलाफ, ना तो उसके बाद ईडी ने कोई भी रेड करी, ना ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, और अब जो है क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई। ये पहला मामला नहीं है, ऐसे मामले कई बार हमारे सामने आए हैं पिछले कुछ सालों में। और हम लोग तो कहते आ रहे हैं कि जो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है उसको मोदी जी मशीन में धुलाई करके और उसको सफाई का सर्टिफिकेट दे देते हैं। हेमंता विश्वा शर्मा हो, नारायण राणे हो, ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने हैं। लेकिन आज 4 केसेस मैं ऐसे पेश करना चाहूंगी जिसमें ना कि सिर्फ जो है तहकीकात बंद की गई है बल्कि क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल कर दी गई है कि फ्यूचर में भी अब कुछ तहकीकात नहीं होगी। ये तो अक्सर होता है कि भाजपा ज्वाइन करने के बाद ईडी का और सीबीआई का समन आना बंद हो जाता है, जो तहकीकात होती है उसको ठंडे बस्ते में ढाल दिया जाता है। लेकिन ये ऐसे कुछ केसेस हैं जिसमें क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। छगन भुजबल का केस है जिसमें कि 10,000 करोड़ का महाराष्ट्र सदन का घोटाला था। छगन भुजबल ने भी भाजपा ज्वाइन करी, उनके खिलाफ केस बंद कर दिया गया।
प्रफुल्ल पटेल का केस देखिए, प्रफुल्ल पटेल का 30,000 करोड़ का घोटाले का केस था। उनके साथ भी वही हुआ कि मोदी जी की गुड बुक्स में आकर, वॉशिंग मशीन में धोकर उनके खिलाफ भी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई। सिंधिया के खिलाफ फ्रॉड का केस था, उसमें भी यही हुआ कि उनके खिलाफ भी जो केस था उसको रफा दफा कर दिया गया, क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई। बाबा सिद्दीकी का केस था, यह भी मुंबई का एक केस था, 500 करोड़ का स्लम रिहैबिलिटेशन का केस था, इसमें ईडी का केस था, इसमें भी वही हुआ कि मोदी जी ने वॉशिंग मशीन में धुलाई करी, क्लोजर रिपोर्ट शामिल कर दी गई।